कर रहे थे मेरे को। आर्मी, हाँ आर्मी वाले में मिल जाएंगी बेटा। नहीं, एनएसएस का कैंप लगाना है, छोड़ना नहीं है, प्रॉफिट यस होता है इसका बहुत तरीके से। ठीक है, लगा के मैम, हमारे आनी। तो 5 बजे भेज दे रहे घर को। अच्छा ठीक है, रेस्ट करना, पूरा दिन थक जाओगे, बहुत होता है एनएसएस में, काम बहुत काम कराते हैं, पर वही फन है, मजा भी उसी में आता है, बहुत एक्टिविटीज होती है। तो एनएसएस का बच्चा कोई भी कैंप नहीं छोड़ेगा, 1 हफ्ते की क्लासेस है, 1 हफ्ते की क्लास तो बीमार होके, सिग्नल खराब होके, या कहीं जाना पड़ जाए, घर में शादी हो जाए, तब भी छोड़ते हो ना, वो इतने प्रोडक्टिव चीजें नहीं है ना, लेकिन ये ज्यादा प्रोडक्टिव है ना, इससे तुम्हारा एकेडमिक ग्रोथ भी है और एज ए पर्सन भी ग्रोथ है। 12th ग्रेड बाद में थोड़ी आएगी, ये लास्ट ईयर है तुम्हारा, इसके बाद स्कूल तो हाँ आएगा, तो एनएसएस का कैंप यार, कोई नहीं छोड़ेगा, सब लगाएंगे। मैम मैं नहीं लगा रही। मैम बेटा लगाना तो चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूंगी एनएसएस का कैंप लगाओ, उसके बाद आना, यही मिलूंगी मैं तुम्हें, पढ़ाऊंगी, रिवीजन लगा लेना थोड़ी हाई स्पीड में, क्या आफत हो जाएगी उसमें, रिवीजन ही तो करनी है, जिसने पढ़ना है ना उसने पढ़ लेना है, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ना उसने बहाना ढूंढ लेना है, तो देख लो, जिसने पढ़ना है उन्हें पढ़ ही लेना है। हमारा तो सिलेबस भी कंप्लीट योर नहीं है, मैम, स्कूल और कैंप लग रहा है। बेटा कैंप तो लगता ही है, अच्छी बात है, मजे करो, ये उम्र है तुम्हारी, उसके बाद कब मजे करोगे, नहीं मतलब मजे होंगे लेकिन अगली उम्र में अगले टाइप के मजे होंगे ना, अभी तुम स्कूल वाले अच्छे से करके जाओ। ओके जी, तो रिवीजन है आज से हमारी इकोलॉजी की, राइट है ना, थोड़ा सा सिलेबस का कंफ्यूजन हो गया था, मैं आपको बता देती हूँ कि बायोलॉजी में जो संडे टेस्ट में सिलेबस है, दैट इज ओनली इकोसिस्टम चैप्टर। ठीक है, मैम जैसे कि उन्होंने फिजिक्स और बायो का सिलेबस बताया है, केमिस्ट्री का तो नहीं बताया। हाँ तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कॉमन मैम अभी आपको करेक्ट कर देंगे, एक्चुअली लीव पर थे तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था टीम में। ठीक है, तो मैं आपको बायो का कंफर्म कर देती हूँ कि इकोसिस्टम आपको आएगा। ओके, फिजिक्स का फिजिक्स की क्लास में एक बार पूछ लेना, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री की क्लास में पूछ लेना, ठीक है, आपको बता दें। मैम मैंने पूछा था एक कोमल मैम को, तो मैम बोल रहे थे कि इस बार केमिस्ट्री नहीं आएगी इस बार टेस्ट में। बेटा केमिस्ट्री के टीचर से केमिस्ट्री का पूछ लेना, अभी बोला ना मैंने, यस मैम, तो सर से एक बार कंफर्म कर लेना, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया तो कोई बात नहीं है ना, हो जाता है समटाइम्स। सो इकोसिस्टम ही आएगा आपका, और इसको बहुत अच्छे से करके जाना, मैं उम्मीद करती हूँ कि इकोसिस्टम का बायो में एटलीस्ट इस बार बच्चों के 90% तो आए 100 में से, क्योंकि एक ही चैप्टर है, उसको मैंने पढ़ भी लिया, रिवाइज भी कर रहे हैं, अब तो बनते हैं नंबर, एटलीस्ट 90% आए, प्लस नेगेटिव मार्किंग लेस देन 10 हो, लेस देन 10 हो तो मजा भी आए, 90% तभी आएंगे जब आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम हो, है ना। तो हम ये कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी में इस बार हम जितने बढ़िया नंबर लाने की कोशिश कर सकते हैं करें, ठीक है जी, ये हमारा यो एक। मैम, यो मैम, तो इकोसिस्टम हम यो कैसे रिवाइज करेंगे, हमारा बहुत सिंपल फंडा है कि हम लोग PYQ लगाएंगे, तो नीट के जो PYQ हमारे पास ऑनलाइन बुक में है, दैट इज 75 PYQs, ठीक है, हम वो 75 PYQs लगाएंगे, उसी के बेसिस पे हम लोग अपने टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इकोलॉजी अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ी है, इसलिए हम इसे ऐसे ही रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन प्लस क्या कहते हैं टॉपिक्स टॉपिक। यस, एंड टॉपिक्स सोचो अगर तुम 75 क्वेश्चन एक चैप्टर के लगा के जा रहे हो, तो तुम कैसे टेस्ट में परफॉर्म नहीं करोगे, अपने आप ही कर लोगे ना, हो ही जाएगा, क्या ही आ जाएगा, यस वैसे टाइप के ही तो क्वेश्चंस आते हैं, और इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल इशू अब हट गया है, दैट मीन्स इकोलॉजी के हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन बढ़ गया ना, राइट। मैम, सो हम लोग कैसे करेंगे, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम भी, मैं दोबारा से बता देती हूँ रूल्स किस तरीके से हमने करना है, मैं सीधा बुक लेकर आई हूँ, क्योंकि एक बुक से करने का ना मजा अलग होता है, हमारे सामने ये बुक खुलती है और हम देख रहे हैं, हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं, उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत अलग होती है, ठीक है, तो ये हम पार्ट बुक से करेंगे, फिर देखते हैं कैसा रहता है, नहीं तो प्रेजेंटेशन पे भी नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यू विल अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 20 क्वेश्चन की हम साथ में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद टाइम बचा तो आगे तो कंटिन्यू करेंगे, राइट। ओके, तो होगा आपका हर क्वेश्चन, आपको पता है टाइम लिमिट होगा, आई असाइन यू द टाइम, उतने टाइम में आपको उसको खत्म करना है, ये लॉजिक हमारा पहले से था, यही चलेगा, राइट। अभी नहीं, 1 सेकंड में टाइमर स्टार्ट कर लूं, ठीक है, अभी आपको कैसे करना है, मैं ना कैमरा ही बंद कर रही हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तो मेरी शक्ल की अभी जरूरत नहीं है, करना क्या है कि आप लोगों को कॉपी पेन लिखना है, तो कॉपी उठाओ पेन उठा लो, क्योंकि आपको उसमें लिखना है, जब मैं बोलूंगी चैट में डालने के लिए तब डालना है, उससे पहले डालोगे मैं देखूंगी नहीं, एक्नॉलेज करूंगी नहीं, तो अपना टाइम मत वेस्ट करो, है ना, और मेरा भी मत वेस्ट करो, तो अब सिंसियरिटी से करेंगे, डिसिप्लिन के साथ, ठीक है, तभी खत्म हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ज्यादा है, खत्म नहीं हो पाएंगे हमसे। ओके, सो सबको स्क्रीन दिख रही है, नंबर वन टू थ्री यो मैम एट एंड नाइन,
एक दो तीन चार पांच, पांच क्वेश्चन है, यू हैव 3 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कॉपी में लिखने आंसर। अनीता, रितु, कॉपी में आंसर लिखने, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 8 और 9 के, फटाफट, यू हैव 3 मिनट्स और आप लेट हैं। वन मिनट डन, 2 मिनट्स लेफ्ट। लास्ट 1.5 मिनट्स लेफ्ट, किसका भी हो गया वेट, सबका एक साथ ही होगा। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके स्टॉप, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 4 आपने कर लिया, 5, 6, 10, 11, 12। ओके स्टार्ट, दिख रहा है सबको? यो यो मैम। चलो स्टार्ट स्टार्ट, इजी है, छोटे छोटे से है। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट, ये छोटे हैं तो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखना, देखो 4, 5, 6 के बाद 10, 11, 12 है, तो बेहतर है अपनी कॉपी में ऐसे लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और फिर जिसका जो सा क्वेश्चन पहले करो उसका आंसर लिख लो, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, काउंटिंग सही से लिखना। लास्ट 15 सेकेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 13 इतने में ही हो जाएगा जितना विजिबल है 7. ट्राई दिस, यू हैव 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 13. मैम सेवेंथ के दो आंसर नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ ए और बी दिख रहा है. ओके पहले 13 कर लो, मैं 7 दिखा देती हूँ. यो यो मैम ठीक है 13 कर लो. यो यो मैम चलो अब मैं 7 दिखा रही हूँ. ओके तो मैं इसको जूम आउट करती हूँ, लेट्स सी कितना विजिबल है. आप लोग जूम कर सकते हो ना कॉपी में अपने फोन में? यस मैम यस मैम. मुश्किल है यार इसका पॉइंट दिखना ना, दिखेगा नहीं, बहुत ही छोटा है. दिख रहा है? यो यो मैम यो यो मैम भाई बहुत ही छोटा आ रहा है, इससे ज्यादा आ नहीं रहा. फिर क्वेश्चन नंबर 7 एक बार कर लो यार, जितना दिख रहा है, किससे ज्यादा तो नहीं हो रहा. मैं हमने जूम कर लिया है, दिख रहा है. ठीक है ग्रेट. 20 सेकेंड्स दे रही हूँ. तान्या लेट क्यों आई है? नेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं. ओके 25 तक करने की कोशिश करते हुए, बहुत क्वाइट विजिबल है. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 22, 23, 24. 6 क्वेश्चंस है, यू हैव 3 मिनट्स, स्टार्ट. करो करो. टू एंड हाफ मिनट्स लेफ्ट. Now 2 minutes left. ध्यान से पढ़ना, ये जो लिखा है ना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे गलती हो जाएगी और ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन में. ध्यान से सोच के करना और कोई एनसीईआरटी मत खोलना भी, नहीं तो फिर फायदा क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस का, चीटिंग ही होगी. तो क्लास से चले जाओ, चीटिंग करनी थी है ना, तो आराम से करना ध्यान से सोच के. वन मिनट लेफ्ट, सॉरी 1.5 मिनट लेफ्ट. शाबाश, वेरी गुड. लास्ट 1 मिनट, ध्यान से करना. क्वेश्चन नंबर 16 एंड 15 गलत हो सकता है, 14 में भी वर्ड दो गलत हो सकता है, तो ध्यान से पढ़ना. क्या पढ़ाया था तुम्हें? अर्थ में ट्रॉफिकल टेम्परेट का डिफरेंस, उसके बेसिस पे आंसर होगा ये. और 22 में फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन वाले टॉपिक पूछ रहा है वो.
लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके स्टॉप। 16 and 24 तक हुआ। चलो नेक्स्ट यू हैव टू डू इज क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 and 25। ठीक है, 26 and 27 अभी नहीं करना। हो जाएगा, ध्यान से करोगे तो। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके स्टॉप, लास्ट क्वेश्चन, देन फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, जस्ट 20 करना है। यू हैव 30 सेकेंड्स क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। स्टार्ट, ओनली 20, ये कोई नहीं करना अभी। ओके स्टॉप। चलो भी अब टाइप करो चैट में 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक के आंसर्स, एक साथ भेजना मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ। यू हैव 1 मिनट। ये एक साथ भेजना सारे। मैम गलती से सेंड हो गया। कोई ना, आई थिंक ज्यादा आंसर है। चलो 1 more minute। एक और मिनट दे रही। लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके रुशे, चेक कर लेते जिसने टाइम से भेज दिया था। मैंने पहले लिख के रख लिए थे गर्ल्स, फिर पता नहीं चलते मुझे ना किसने ये आंसर दिए थे। सर बच्चे डी 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 डी
सुशील सिक्स बेटा गलत हो गया तेरा, इलेवन गलत हो गया एक, नोट कर ले। फोर्टीन भी गलत हो गया। गुड रुशुल, बहुत अच्छे से करा है। तुमने भी अच्छे से करा है। ये सिक्स में बच्चों का गलत हुआ है, तुम्हारा भी गलत है सिक्स में ना। गुड रिया, विशाल नाम से कौन है, तमन्ना ना। यस मैम, मैम मैंने सेकंड कान से बी लिखा है और गलती से डी हो गया है। अच्छा हाँ कोई ना। गुड मीनाक्षी, गुंजन, गुंजन बेटा पूरे आंसर नहीं लिखे, देर से आई थी। ओके अर्चना, टी टी टी। गुड रमिता, कॉमन मिस्टेक्स ये सबकी। सुनिधि, सुनिधि ने एकदम क्लियर लिखा है, पढ़ना ही दिए। सेकंड गलत है बेटा, सिक्स बी। गुड, 19 गलत हो गया सुनिधि। गुड पल्लवी, इजी वे ऑफ राइटिंग। फाइव। गुड पायल, कॉमन मतलब मिस्टेक है, दो तीन क्वेश्चंस की पर ज्यादा नहीं है, तो दैट इज गुड। आंचल भी, दीक्षा, दीक्षा का पढ़ते हैं। दीक्षा सिक्स का आंसर नहीं लिखा था, 13 का नहीं है, 16 का नहीं। दिस इज ऑल्सो सही है कि आपको स्किप करने की आदत होनी चाहिए, है ना। दीक्षा इज द ओनली वन जिसने स्किप करा है, दैट मीन्स उसने नेगेटिव मार्किंग से बचा है, दैट इज वेरी गुड। अंकिता बेटा बाकी क्वेश्चन खा गई। मैम ऊपर भेज जाए। अच्छा ये बच गए थे। अच्छा मोहित थोड़ी सी स्पेस दे देकर बेटा, मुझे ऐसे समझ नहीं आता, बहुत ज्यादा पास पास है ना। गुड प्रीति, शगुन, पूजा, गुड साक्षी, कौन सी है, ठाकुर या नेगी। ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर सब बढ़िया। सपना और पास लिख दे बेटा, मजा वाला है, मुझे समझ आ जाए लिखा गया। एक्स में इतना खराब कैसे लिख सकती है। गुंजन बेटा खा गई बाकी के आंसर, भूख लगी थी पहले दे दी थी मैम। श्वेता ने ऐसे लिखा, कंप्यूटर की कोई हिडन लैंग्वेज है जो मेरे समझ नहीं आ रही, देखना जरा इसका आंसर। यस मैम, सॉरी बेटा, आई डोंट नो कोडिंग। जगदीश गुड, प्रिया हाँ, शगुन बेटा बहुत बढ़िया, एक आंसर बीच में दे। गुड नीता, चल तो बच्चों ने आंसर दिया, चलो तो देख लेते क्या बनता है। करें सॉल्व। आज इकोसिस्टम पे लगते हैं तो फोन ना आधी दिन तो खा जाता है, एक मिनट रुकना मैं एडजस्ट कर लू। चलो अच्छा, मैं को मैं लैपटॉप की स्क्रीन ऊपर कर रही हूँ, ये कर रहा है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबको दिख रही है स्क्रीन। चलो जी सबसे पहले क्वेश्चन, लेट्स टेक द रेड कलर, लेट्स स्टार्ट। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, नोट्स में इसका डायरेक्ट आंसर था। आंसर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड का मतलब है वो जो एग्रीकल्चर लैंड पे हुआ होगा ना, इकोसिस्टम, जैसे किसी ने फसल गोभी उगाई है तो गोभी इकोसिस्टम के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ वीड, अगर तुम कहीं भी खेती बाड़ी करोगे क्या वहाँ पे वीड कभी एबसेंट होगी, तो फिक्स होता है, हमने फसल उगानी है काट देनी है, तो वो सक्सेशन नहीं होती, सक्सेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे जाता है। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं जब मिट्टी में ऑर्गेनिज्म होंगे। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, नो दिस इज करेक्ट,
क्योंकि आप जब फसल उगाओगे तो ऐसा नहीं है ना, इधर गोभी है इधर स्ट्रॉबेरी लगा दी, ऐसे तो नहीं करोगे। मोस्टली आप एक तरीके का प्लांट एक लैंड में लगाओगे ना, तो डाइवर्सिटी कम होगी ना एनिमल की, सॉरी फूड की, तो लीस्ट यस जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। आंसर वुड बी डी। बेटा माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है? माइक बंद कर लो, ऐसे डिस्टरबेंस होती है। ओके चलो नेक्स्ट। तकरीबन बच्चों का आंसर सही है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाना था अपना, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था। द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन बायोटिक कम्युनिटीज नोन एज, मतलब वर्टिकली लगा रहे हो ना सबको इस तरीके से कि नीचे आगे ग्रासेस, फिर उसके ऊपर थोड़े बड़े प्लांट्स, आगे हर्ब्स एंड श्रब्स, फिर उसके ऊपर आगे ट्रीज। तो आप अगर दूर से देखोगे, पहले ये लाइन आई प्लांट्स की, फिर ये लाइन आई, फिर ये लाइन आई, तो वर्टिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसी भी बायोटिक कम्युनिटी के अंदर, उसको हम बुलाते हैं, आंसर इज डी, स्ट्रेटिफिकेशन। एनसीईआरटी की कौन से पेज नंबर पे लाइन है ये? 242 पे, आई थिंक सेकंड पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई है ये, राइट? यो यो मैम, लाइन करो इसे, स्ट्रेटिफिकेशन इसने नहीं कर रखा, वैसे आई थिंक कर रखा है हमने, अंडरलाइन करो इसको, इससे क्वेश्चन नीट में भी अभी रिसेंटली भी आया था, ये 2015 का है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम आप पढ़ते हो चार, उसी पैराग्राफ के नीचे जहां स्ट्रेटिफिकेशन अंडरलाइन किया, वो चार फंक्शनल यूनिट कौन कौन सी है? प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड लास्ट कौन सी थी? न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल है ना, तो स्ट्रेटिफिकेशन तो नहीं है उसकी फंक्शनल यूनिट, वो तो बस अरेंजमेंट है इकोसिस्टम की। फंक्शनल यूनिट मतलब इकोसिस्टम किससे चल रहा है, तो स्ट्रेटिफिकेशन से चल थोड़ी रहा है, वो तो बस उसके अरेंजमेंट है ना, तो डी इज नॉट द आंसर, राइट? हमें नॉट ढूंढना था ना, जो नहीं है तो भी डी, और इन चारों पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन करा ही हुआ है। Now, which one of the following is one of the characteristic of a biological community? Biological community का इनमें से कौन सा है जो characteristic है? कौन सा है answer? MD. D. कैसे? कैसे? क्योंकि sex ratio एक community की होती है. Sex ratio community की होती है. What about natality and mortality? उसका क्या फर्क है? वो पब्लिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। उसने फंक्शनल यूनिट तो नहीं बोला ना जिससे बायोलॉजिकल कम्युनिटी चल रही है, वो कह रहा है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक बता दो। जैसे एक प्लांट है, उसका आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हो, तो आप जब प्लांट की मोर्फोलॉजी पढ़ते हो, आप पढ़ते हो ना उसका लीफ कैसे दिखता है, उसके पत्ते कैसे, उसके पेटल्स कैसे, फिर आप पढ़ते हो उसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम है या नहीं है, ये सब पढ़ते हो, उसका हैबिटेट कैसा है, तो ये वैसे कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो कम्युनिटी की नेटेलिटी मोर्टेलिटी भी आता है। नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी आप पढ़ते हो, आपको अगर याद हो आप एक छोटा सा ग्राफ पढ़ते हो कम्युनिटी के अंदर, नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, ये हो गया मोर्टेलिटी मतलब कितने मर गए, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कम्युनिटी का एक साइज क्या होता है, कैपिटल एन निकालते हैं हम, अगर आपको वो ग्राफ याद है तो। मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, सेक्स रेशियो तीनों एक कम्युनिटी के लिए आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी उसकी स्ट्रेटिफिकेशन भी हो सकता है, राइट? तो ये तो उसका एक फंक्शन, मतलब अगर आप बोलो एक कम्युनिटी के अंदर कितनी डेथ हो गई, तो हम उससे कम्युनिटी की डेंसिटी निकाल सकते हैं। हम बोले उस कम्युनिटी का करेक्टर कैसा है, तो हम ये बात करेंगे वो दिखती कैसी है, वो रहती कहाँ पर है, उसके बॉडी के फिजियोलॉजी कैसी है, ठीक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन उसमें एक पार्ट आएगा। आंसर शुड बी ए, कि कम्युनिटी किस तरीके से दिखाई दे रही है, कैसे अरेंज है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। समझ आया? आंसर ए होगा। अगर नहीं भी आता था तो देखो, सेक्स रेशियो की बात कर रहे हो, मेल या फीमेल, नेटेलिटी बर्थ, मोर्टेलिटी डेथ, ये काफी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं। सबसे ऑड आंसर इसमें एक्चुअली ए ही था, आंसर ए था, मैंने सेलेक्ट किया था। कोई ना, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है जहां पे कम से कम वेरिएशन आती है, दैट इज, आंसर वुड बी बी, फॉरेस्ट मत लिख कर आना, ठीक है। देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होगी, जब आपने सक्सेशन पढ़ा था,
आप सक्सेशन पढ़ते हो तो आप कहते हो कोई भी कम्युनिटी में जब सक्सेशन होता है, चाहे वो गीले से लैंड पर सक्सेशन हो रहा है या ड्राई लैंड पर सक्सेशन हो रहा है, सैंड के ऊपर सक्सेशन हो रहा है, पत्थर के ऊपर सक्सेशन हो रहा है, जब भी होता है एंड में फॉरेस्ट बनता है। सही बात है, लेकिन वो तुमसे सक्सेशन नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम ओशियन ही है, क्योंकि देखो ओशियन के पास सनलाइट भी आ जाती है, ठीक है, ओशियन के अंदर डेप्थ में सनलाइट जाती भी नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, आके बैक्टीरिया खाना बनाते हैं। ओशन के पास अपनी प्रोडक्टिविटी है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर देखा जाए तो डायटम्स है उसके मेन प्रोड्यूसर्स। ओशन के पास मिनरल कंटेंट भी है, उसके पास डिसॉल्व गैसेस भी है, और ओशन में वेरिएशन कम आती है। आप देखो ना लैंड पे ज्यादा वेरिएशन दिखाई देने लगेगी आपको, लेकिन मौसम का कम प्रभाव होता है ओशन के ऊपर। ऐसे तो नहीं सुनते ना पूरा ओशन जम गया, नो मैम, दैट इज डिफरेंट। बाकी ओशन में काफी हद तक स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि वो बहुत गहरा है और बहुत दूर है ह्यूमन के इंटरफेरेंस से। तो देखो तो ह्यूमन इंटरफेरेंस से ज्यादा दूर है, वही तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। तो आंसर गुड, ओके, यो यो मैम। मूविंग ऑन, नीचे आते हैं प्रोडक्टिविटी। वैसे क्वेश्चन इन दो ऑप्शंस में आई थिंक हो जाता, लिख लेते, काफी टाइम हो गया। इन रिलेशन टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। हमने शायद पापा का एग्जांपल लेके पढ़ा था इसे, तुमने बोला था प्रोडक्टिविटी कि जो आपने खाना बनाया टोटल फूड कुक्ड, उसको आपा क्या बुलाते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। शाबाश, जो खाना बनाया उसमें से खुद भी तो कुछ खाओगे। Eaten by producer, तो जो eat कर रहा है उसको represent किसे करेंगे? Capital R. Is respiratory loss. तो total food जो next trophic level पे बचा, total food for consumer, जो consumer खा पाएंगे, मतलब कि अब तुम्हारे तक पहुंचे, that will be नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक बच्चा हाथ खड़ा कर दो, प्रीति। एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, जीपीपी माइनस आर, वेरी गुड। तो मुझे यही स्टेटमेंट देख के बताओ कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, प्राइमरी प्रोड्यूसर पे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर पे, टर्शियरी प्रोड्यूसर पे? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो आप प्रॉफिट लेवल में जब ऊपर जाते हो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी लॉस आता रहता है ना। हाँ मोहित बोलो। नहीं, आपने उनका आंसर देने के लिए हैंड रेज करना है। अच्छा अच्छा, कर ले नीचे, अब तो हो गया। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट था। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सही ढूंढने, देख लेते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी की वैल्यू एनपीपी माइनस आर है, तो जीपीपी की वैल्यू हमेशा कम रहेगी एनपीपी से। नो मैम, मैंने उल्टा लिख दिया, एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। हाँ, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, एनपीपी की या जीपीपी की? मैम जीपीपी की, जीपीपी की। हाँ, क्योंकि जीपीपी वो है ना जो टोटल खाना प्लांट ने बनाया, उसके बाद प्लांट ने रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लिया और बचा हुआ खाना इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी की वैल्यू तो ज्यादा है, तो जीपीपी द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये सही है, खाना ज्यादा बनाएगा और अगले ट्रॉफिक लेवल पे कम जाएगा। तो गायें जब घास को खाती है उसको कम एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू प्लांट ने कितनी बनाई थी, क्योंकि प्लांट ने अगर 100 एनर्जी बनाई थी तो उसने कुछ तो खुद भी कंज्यूम किया है ना, बाकी बचा हुआ गाय ने खा लिया, राइट। तो गाय को एनर्जी प्लांट के कंपेरिजन में कम मिली, पर प्लांट की बात हो रही है, राइट। तो बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ही ढूंढना था हमें। नेक्स्ट आते हैं, फिर भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम, सेम तो नहीं है, फर्क है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी, बिल्कुल रिलेशनशिप होता है, तो आंसर वुड बी बी। गुड, राइट। अभी तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, कोई क्वेश्चन रिपीट करना है बताओ, कोई बोल दो।
मैम, जैसे आपने बोला कि हमारा जो अगर फूड बनाया है तो वो ट्रॉफिक लेवल की तरफ इंक्रीज मतलब कि जब जाएगा तो डिक्रीज करेगा, वो मुझे एक बार समझा दो कि कैसे। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है हमारे पास? सन हाँ, है ना, तो सन की लाइट पड़ी इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, है ना। यो प्लांट ऑटोट्रॉफ्स आर द वन जो एनर्जी फिक्स कर सकते हैं सन की, और किसी के पास ये पोटेंशियल ही नहीं है। ठीक है, तो इसने जो टोटल फूड बनाया, टोटल फूड दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब टोटल फूड बनाया क्या मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस करके इसने खाना बनाया होगा। अब कुछ खाना ये खुद भी यूज कर लेगा ना, तो इसने जो यूज कर लिया अपने बॉडी के फंक्शन के लिए, हाइट इंक्रीज करने के लिए, फूल वगैरह बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, दैट विल बी एन आर रेस्पिरेटरी लॉस हो गया। तो बचा हुआ खाना कितना बचा प्लांट के पास, दैट विल बी एनपीपी, राइट। अब एनपीपी को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। देखो, यो सनलाइट नहीं, खाना जो आया बेसिकली नथिंग ना, सनलाइट देख, अगर इस सन की लाइट है जो रेडिएशन है, ठीक है, इसकी रेडिएशन को क्या करते हैं प्लांट, करते कुछ नहीं है। इसकी रेडिएशन की जो एनर्जी है हम कहते हैं पैकेट ऑफ फोटोन में होती है, सुना होगा आपने कभी, फोटोन। यो मैम वो फोटोन्स को चेंज कर देते हैं इंटू फूड एनर्जी, और फूड एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, आपने सुना होगा ग्लूकोज बनाते हैं। तो कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं ना, इनके बीच में एनर्जी होती है। आप समझ रहे हो, सनलाइट की एनर्जी उसने बॉन्ड में चेंज कर दी है, ठीक है, यो यो मैम ये करा है। अब प्राइमरी कंज्यूमर को जो एनर्जी मिलेगी उसको हमेशा एनपीपी मिलेगा ना, जीपीपी तो उसको मिला ही नहीं, क्योंकि जीपीपी अब वैल्यू किसकी ज्यादा थी, जो स्टार्टिंग में खाना बना था उसकी, तो जीपीपी हमेशा ज्यादा रहा एज कम्पेयर टू एनपीपी, तो सेकंड प्रॉफिट लेवल भी कम गया। अब ये जो कंज्यूमर है ये एनपीपी से थोड़ी सी एनर्जी ले लेगा आर के फॉर्म में, रेस्पिरेटरी लॉस, और जो बचा हुआ खाना है वो ले जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर को एनपीपी मिला उसमें से थोड़ा आर निकल गया ना, लॉस हो गया। तो हम देख यो सकते हैं ना कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, रेस्पिरेटरी लॉस में खाना निकल रहा है। दैट इज वाई जब ऊपर जाओगे ट्रॉफिक लेवल में तो जो वैल्यू होगी ना फूड की, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। मैम, थैंक यू मैम। ओके, नाउ द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड मास ऑफ लिविंग मटेरियल। यहाँ पकड़ना था तुम्हें इसको, लिविंग मटेरियल अगर एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, कि जैसे प्रोड्यूसर बोल दिया, प्रोड्यूसर पे कौन रहते हैं, प्लांट्स, है ना, और एक्वेटिक सिस्टम में प्रोड्यूसर पे कौन रहते हैं, क्या, है ना। अब मैं इनका मास पूछ रही हूँ तुमसे, तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास पूछ रहे हो तो उसको क्या बुलाते हैं हम, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप, क्रॉप, क्योंकि हमने याद रखा ना खाने वाली चीजें, एडिबल चीजें क्रॉप होती है, तो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है लिविंग मटेरियल का मास एक ट्रॉफिक लेवल पे। ये आपसे ये नहीं बोल रहा उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो इस चीज को ध्यान रखना, प्रोडक्टिविटी उसने क्या खाना बनाया या उसके अंदर कितना खाना है जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जा सकता है, दैट इज डिफरेंट, प्रोडक्टिविटी की बात नहीं हो रही, ये उसका मास पूछ रहा है। आप उसको वेट के फॉर्म में ले रहे हो, तो अगर तुम वेट की बात कर रहे हो तो उसमें आप दो चीजें करते हो, स्टैंडिंग क्रॉप, एक स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है कि नॉन लिविंग मटीरियल में कितने न्यूट्रिएंट है, जैसे मिट्टी के अंदर कितने न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स है, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट, कि मिट्टी के अंदर कार्बन है, ठीक है, वो उसकी स्टैंडिंग स्टेट है। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है कि एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका कितना बायोमास है, ठीक है। तो क्योंकि इसने पूछा था मास ऑफ लिविंग मटेरियल, तो वो होगा स्टैंडिंग क्रॉप, आंसर वुड बी बी, क्लियर। याद आया कि नहीं, ठीक है, थोड़ी देर में दोबारा इस पे आते हैं फिर पूछूंगी, अभी अभी तुम्हें फ्रेश बताया था, तुम्हें समझ नहीं आएगा तुम्हें आता है या नहीं। लेट्स सी, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म एट, इकोसिस्टम में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनिक मैटर बना, अब ये खाना पूछ रहा है, तो फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर या सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर। जब फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया उसको क्या बुलाओगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्रॉप नहीं है, फर्क समझ में आया, को नहीं समझ में आया वो लिख लो, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, टॉकिंग अबाउट फूड फॉर्म एट द ट्रॉफिक लेवल।
प्रोडक्टिविटी में हम लोग फूड फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ स्टैंडिंग क्रॉप की, देन तब हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल बायोमास आपने डेवलप किया, सॉरी डेवलप कर दिया आपने, कोई बात नहीं यार, तो भावना को समझ जा, टोटल बायोमास ऑफ लिविंग बींग एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, ये लिख लो, ये कंफ्यूज कर सकता है, मुझे लगता है ये कंफ्यूज करेगा, बाकी तो तुम समझ ही हो, ओके एक बार ये नोट कर लो सारे। पर छोटी छोटी चीजें चलते चले जाओगे तो तुम्हारा वैसे भी हो जाएगा, इतना तो कुछ था भी। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे। यो यो मैम, यो यो मैम, कितने क्वेश्चन पे हम लोग, नाइन्थ कर लिए, टेंथ पे, नाइन्थ कर लिया, ओके। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन करेगा, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर को कौन खाता है, डीकम्पोजर मत डाल देना, क्योंकि तुमको याद है ट्रॉफिक लेवल पे हम डीकम्पोजर की बात ही नहीं करते, डीकम्पोजर नहीं डालना, पैरासाइट भी मत डाल देना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में चले गए, तुम कंज्यूमर डालना जो सिंपल तुमने पढ़ा है कि पहले प्रोड्यूसर फिर कंज्यूमर, राइट, आंसर वुड बी ए, सिंपल था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नाउ 11th, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ए ग्रास लैंड इज कॉल्ड, तो अब जो रैबिट है, रैबिट प्लांट तो नहीं है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर तो नहीं होगा ये, यो यो मैम, तो मैं कौन, प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट है, प्लांट को खाता है रैबिट, यस मैम, यो यो मैम, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, यस मैम, वर्ड भी ले सकती हूँ मैं, प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, यो यो मैम, तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ए ग्रास लैंड, अब जो रैबिट ने खाना बनाया, देखो खाना उसने वो सिंथेसिस नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो गया, उसकी बॉडी में जो मसल के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में खाना स्टोर हुआ है, ये उसकी बात कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन होकर जो बॉडी में खाना स्टोर हुआ है उसको तुम क्या बुलाओगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी, क्या बुलाओगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, राइट, नेट प्रोडक्टिविटी नहीं बोलोगे, नेट प्रोडक्टिविटी अगर वो पूछते ना कि रैबिट को खा के कार्निवोर्स को कौन सी एनर्जी मिलेगी, तब तुम बोलते नेट प्रोडक्टिविटी मिलेगी, लेकिन वो पूछ रहे रैबिट ने क्या बनाया, तो रैबिट ने मेटाबॉलिज्म करके अपने अंदर जो एनर्जी बना के रखी है, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्लियर, ये रहा रैबिट, ओहो अगर मैं रैबिट बनाऊंगी तो बल्लिया मुझसे कैसा दिखता है, मैं तो भूल गई, इसकी बॉडी ना पीछे बना देते हैं कि दिख ही नहीं रही, पूंछ होती है इसकी, छोटी सी होती है, ये स्मार्ट होती है, बस यही रैबिट है हमारा, मैं उसको स्माइल करवाओ ना, ऐसे ठीक है, यो यो मैम, जस्ट इन केस किसी को कंफ्यूजन है तो ठीक है, तो रैबिट ने खाई घास, देखा ही होगा तुमने कहीं ना कहीं रैबिट मिल जाते हैं, यो यो मैम, यो यो मैम, इसने जो बनाई थी दैट वाज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रैबिट ने खा ली घास, कुचू 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 उसके पेट में डाल देते, गुरु 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 पेट में चली, ठीक है, अब इसको तोड़ेगा, इससे एनर्जी निकालेगा, अपनी बॉडी में मसल फैट बनाएगा, उसी को नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाला कंज्यूम करेगा, तो इसने जो मसल फैट वगैरह के लिए यूज कर लिया है, अपनी बॉडी में बना ली है, दैट इज अ प्रोडक्टिविटी, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये इसने बनाया है, अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा क्या, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब जो एनर्जी इसने यूज कर ली वो रेस्पिरेटरी लॉस हो गया और एनपीपी नेक्स्ट लेवल पे जाता है, ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक वर्ड है प्रोडक्टिविटी और एक होता है ये एनपीपी एंड जीपीपी, तो उसको ध्यान से समझना, जो खाना बनाया है दैट इज प्रोडक्टिविटी, प्लांट ने बनाया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अगले ने बनाया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उससे ऊपर कार्निवोर्स ने बनाया टर्शियरी प्रोडक्टिविटी, जो अलग अलग प्रॉफिट लेवल पे जंप कर रहा है वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जाता है, राइट, हाँ मोहित बोलो, जो रैबिट को खाएगा उसे नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी ना,
नहीं, जो रैबिट खाएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी प्लांट की, प्लांट ने यस बनाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो कंपोनेंट्स है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट है जीपीपी और एक होता है एनपीपी। तो प्लांट ने जो बनाया है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन उसने भी तो रेस्पिरेटरी लॉस करा है ना, रेस्पिरेटरी लॉस के बाद जो बचता है दैट इज एनपीपी। तो जो रैबिट को मिला वो एनपीपी मिला, समझ आया? तो यस मैम, हर ट्रॉफिक लेवल पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही जाती है, ठीक है। जब कोई हाँ बनाता है खाना तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन हर ट्रॉफिक लेवल पे एनपीपी ही जाती है, समझ आया? मैम, है ना, थोड़ा है कंफ्यूजिंग, आई एग्री, लेकिन थोड़ा आराम से सोचना, यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम, मास पूछ रहे हैं लिविंग मैटर का एक ट्रॉफिक लेवल पे। तो ट्रॉफिक लेवल पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास क्या बुलाते हैं हम इसे, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप। हाँ, तो देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, तो स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप पे क्वेश्चन आता है, आंसर वुड बी ए। और इसको दोबारा पढ़ लेना, अब ध्यान से देखो। द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोर एंड डीकम्पोजर्स आर कॉल्ड, तो जो खाना अवेलेबल है खाने के लिए टू हर्बीवोर, जो हर्बीवोर्स खाएंगे, या फिर ये प्लांट मर गया, अगर डेड हो गया तो इसको डीकम्पोजर खाएंगे, तो कौन सा खाना अवेलेबल होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आंसर वुड बी ए। अब समझ आए? यो यो मैम। गुड। सेकेंडरी स्टैंडिंग क्रॉप क्यों नहीं हुआ इसका आंसर? मैम क्योंकि जिसने ये खाया है तो जो नेक्स्ट अगर किसी और के पास जाएगा तो वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ही जाएगा हमेशा, चाहे कोई भी हाँ, ऑर्गेनिक खाएगा। स्टैंडिंग क्रॉप का क्या मतलब होता है फिर? मैम जो उसके पास अवेलेबल, एक ट्रॉफिक लेवल पे बायोमास, एक ऑर्गेनिज्म नहीं, एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास है, ठीक है। बहुत सही बोल रहे हो, बस ट्रॉफिक लेवल बोल रहा था, वो वर्ड गलत हुआ है। ओके कभी टोका। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप हैज द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? आपने रेस्पिरेटरी लॉस ने, हाँ सॉरी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेस्पिरेटरी लॉस कंसीडर करके पूछ रहा है कि हाईएस्ट एनुअल, साल में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है। हमको बहुत अच्छे से पता है, ट्रॉफिकल रेन फॉरेस्ट इज द आंसर, रेन फॉरेस्ट की ही है। डेसिड्यूस फॉरेस्ट मत कराना, टेम्परेट में गलती से मत चले जाना। हमने ग्लोब बनाया था और हमने बोला था ये जो ट्रॉफिकल होता है ना इक्वेटर के पास, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ होती है, और यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट सबसे अच्छी मिलती है और इसमें सीजनल फ्लक्चुएशन भी कम होती है। याद आया? ये गलत नहीं होना चाहिए था, आंसर वुड बी डी। 15, ये एनसीईआरटी का है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट वैल्यू इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम? तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी ग्रासलैंड इकोसिस्टम? अरे तुम किसी भी इकोसिस्टम में चले जाओ, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? एनपीपी, जीपीपी, प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन, टर्शरी प्रोडक्शन। अब प्राइमरी प्रोडक्शन दी नहीं इन्होंने, नहीं कहा सेकेंडरी प्रोडक्शन, टर्शरी प्रोडक्शन, जीपीपी, एनपीपी। तो जब सूरज से लाइट लेके प्लांट खाना बनाते हैं, यस सनलाइट लेके फाइटोप्लैंक्टन्स खाना बनाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं? बाकी हर किसी की वैल्यू कम होती है, जीपीपी सबसे ज्यादा होती है ना, उसके बाद तो आर का लॉस होता है। तो आंसर वुड बी सी। क्लियर? चलो 16, द रेट एट विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू केमिकल एनर्जी। तो सूरज की रोशनी आई, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के बॉन्ड्स के बीच में आकर लग गई। ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज द इकोसिस्टम, सो द रेट एट विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द इकोसिस्टम, इसको हम क्या बुलाते हैं? क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो यार सेकेंडरी भी लिखा है तो ना गलती से ये टिक हो सकता है, तो जल्दबाजी में मत करना क्वेश्चन। ओके, जिसने इसका डी लिखा है उसने गलती से गलत कर दिया है, तो ध्यान से करना। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? तो सबसे ज्यादा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैंने ऊपर ही बताया था, दैट इज बी। मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज इंट्रैप बाय, तो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को कौन इंट्रैप कर सकता है? प्लांटिंग प्लांट्स, ट्रीज। हमें लगता है प्लांटिंग ट्रीज होने चाहिए ना सोलर एनर्जी को एंट्रैप करने के लिए, लेकिन अगर आप देखो जो ट्रीज होते हैं उसमें उसका सिर्फ ग्रीन पार्ट ही वर्क करता है ना, उसकी बाग तो डेड होती है, सोलर एनर्जी वो ले नहीं पाता। तो अगर आप देखोगे ना किसी ग्रोइंग एल्गा इन ए टैंक, अगर टैंक्स के अंदर हम ग्रोइंग एल्गा डाल देना, ग्रोइंग एल्गा मतलब वो डिवाइड करता चला जा रहा है, तो एल्गा की तो चारों तरफ पूरी उसकी जो बॉडी है सेल से मिलकर बनी है, सारे सेल्स क्लोरोफिल से रिच है, क्लोरोफिल ए सब में होता है, तो सनलाइट ले सकते हैं,
ठीक है, तो एक ट्री के कंपैरिजन में जो ग्रोइंग एल्गा है, क्योंकि उसने नंबर नहीं बोला कि 100 एल्गा सिर्फ, वो कह रहा है ग्रोइंग एल्गा, तो अनलिमिटेड नंबर हो सकते हैं ना, तो ग्रोइंग एल्गा सारे के सारे सनलाइट ले सकते हैं, लेकिन ट्री का कोई पार्ट सनलाइट ले सकता है बाकी का नहीं, तो आंसर वुड बी सी। तो बेशक माइक्रोस्कोपिक है पर उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि ओशन के अंदर डाई एटम माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन होते हैं, वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत पुराना है, तो थोड़ा ट्रिकी है। अ वेरी एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी विद नेट प्रोडक्टिविटी मोर इज द क्रॉप, कौन सा क्रॉप है जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकता है? इसका आंसर बी है, पर इसकी कोई खास एक्सप्लेनेशन मुझे मिली नहीं। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो शायद कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था जो मे बी अब चेंज हो चुका है, इसलिए शायद एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। 20th क्वेश्चन इज अ डीकंपोजिशन, मैंने कहा था इसके सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, पर रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। कितना टाइम है? 5 मिनट है, डीकंपोजिशन तो हो जाएगा मैम, 5 मिनट। हां हां बहुत है। डीकंपोजिशन, कोई भी डेड रिमेन आता है हमारे पास उसे हम क्या बुलाते हैं? डेट्रिटस। और इसको खाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए जो आता है डेट्रिवोर्स, बड़े बड़े मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में फ्रेगमेंट में चेंज कर देता है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बुलाते हैं? फ्रेगमेंटेशन। से जो इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल मिनरल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और वो धरती के अंदर चले जाते हैं, अनअवेलेबल हो जाते हैं यूज के लिए, इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? लीचिंग। अभी जो छोटे छोटे मटेरियल है इसके ऊपर माइक्रोब्स एंड फंगस अटैक करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं अपन? कैटाबॉलिज्म। के बाद अब इनकी और ब्रेकेज होती है और एक काली रंग की मिट्टी सी बनने लग जाती है, तो प्रोसेस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। के बाद जो हमारा ह्यूमस बनता है, ह्यूमस कैसा होता है कलर में? डार्क। कैसा होता है उसका? और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो मैम, और ये न्यूट्रिएंट मतलब एज ए फर्टिलाइजर यूज हो सकता है? ह्यूमस की बहुत धीरे धीरे डिग्रेडेशन होती है, और इतनी डिग्रेडेशन होती है कि मिट्टी में ही घुल जाता है वो, दैट प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। है ना, तो ये जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। आजो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब, सही ढूंढना है, देखते हैं। लास्ट स्टेप ऑफ डीकम्पोजिशन, लास्ट स्टेप है ये? नो मैम। लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज टू द टॉप लेयर ऑफ सोइल, ऊपर आते हैं सोइल में। नो मैम। नो मैम। फ्रेगमेंटेशन कैरीड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, अर्थवर्म करते हैं फ्रेगमेंटेशन। ह्यूमिफिकेशन लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस, इतनी स्टेटमेंट तो सही है। विच अंडरगो माइक्रोबियल एक्शन, ये भी सही है, एट ए वेरी फास्ट रेट, नहीं फास्ट नहीं होता। क्योंकि हमें सही ढूंढना था ना, तो आंसर सी होगा, तो जिसको ये प्रोसेस पूरा आता था वो ये आंसर पाता है, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल क्वेश्चन था, है ना, था एनसीईआरटी बेस्ड लेकिन था मीडियम। यो मैम। द स्लो रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ फॉलन लॉग इन नेचर इज ड्यू टू देयर, अब स्लो रेट क्यों होगा डीकंपोजिशन का? अगर डीकंपोजिशन फास्ट तब होता जब उसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो, जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट एप्रोप्रिएट हो, जब टेम्परेचर हाई हो कंपैरेटिवली, ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जब डिकम्पोजिशन का रेट बढ़िया रहता है। वो पूछ रहा है ऐसा क्या होगा कि एक लॉग नीचे गिरा पेड़ से, डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो है, बहुत स्लो होगा अगर पुअर नाइट्रोजन कंटेंट है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्लो रेट होता है इन द कंडीशन ऑफ डी। हाँ मोहित बोलो। इसमें लो मॉइस्चर एंड लो सेलुलोज क्यों नहीं आएगा? सेलुलोज लो है तो ये तो अच्छी बात है, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। सेलुलोज को पचाने में दिक्कत होती है, इसलिए जो भी तुम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो ना, वो ग्रीन वेजिटेबल तुम्हारे पेट में फंसते नहीं है। लो मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम होना चाहिए, लो तो नहीं होना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन का ज्यादा इफेक्ट है,
क्योंकि पूरा प्लांट जो अगर कोई कंपोनेंट कम लो मॉइस्चर कंडीशन में है और बाकी कंडीशन सही है तो थोड़ा डिकम्पोजिशन फिर भी चल सकता है, लेकिन अगर उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ही कम है तो उसको बैक्टीरिया और फंगाई तोड़ ही नहीं सके ना, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसलिए हम आंसर डी के साथ गए। ओके मैम चलो ऑल राइट ओके, सो वी आर लेफ्ट विद टू क्वेश्चंस, ये हम लोग कल करते हैं राइट, थ्री क्वेश्चंस, उसके बाद बाकी के करेंगे, तो ये क्वेश्चन लगा के मत आना, हम क्लास में करेंगे ओके, क्योंकि तुम्हारे क्लास में हम क्लास में करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक से दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा।